नमस्कार, मैं अमरीश भाटी। दोस्तों, हम सब इंडियन हैं लेकिन हमें इंडिया की फुल फॉर्म नहीं पता। हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारे देश का हिंदुस्तान नाम कब पड़ा, किसने रखा। हम भारतीय हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे देश का नाम भारत किसने रखा, कब पड़ा और हमारे देश के भारत नाम का अर्थ क्या है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इंडिया की फुल फॉर्म क्या है, हमारे देश का हिंदुस्तान नाम कब पड़ा, क्योंकि कुछ लोग यही समझते हैं कि 1947 की आज़ादी के बाद हमारे देश के दो टुकड़े हुए और हमारे देश का एक हिस्सा हिंदुस्तान बन गया और एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया। लेकिन दोस्तों, सच ये नहीं है, सच इससे बहुत दूर है। और अगर हम इंडिया की फुल फॉर्म की बात करें तो हमारे देश की 90% आबादी को इंडिया की फुल फॉर्म ही नहीं पता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की फुल फॉर्म भी बताऊंगा और अपने देश का हिंदुस्तान नाम किसने रखा, कब रखा और ये नाम हमारे देश का ऑफिशियल नाम है या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आज के अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए, ऐसी ही अहम जानकारियों के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों, हमारे देश के वैसे दो आधिकारिक नाम हैं, एक भारत और एक इंडिया, लेकिन एक तीसरा नाम भी है, हिंदुस्तान। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हिंदुस्तान हमारे देश का ऑफिशियल नाम नहीं है, बस हिंदुस्तान नाम से भी हमारे देश को कई देशों में जाना जाता है। वैसे हमारे देश का आधिकारिक नाम हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया ही है। अब आपके मन में ये उत्सुकता बढ़ रही होगी कि हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कब पड़ा और किसने रखा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अब से 2,500 साल पहले अरब से, ईरान से, कई देशों से हमारे देश में व्यापारी आते थे। हमारे देश में एक ही धर्म था, सनातन धर्म, और जिन्हें हिंदू भी कहते थे। तो ये पूरा देश हिंदुओं का स्थान था, हिंदुओं की भूमि थी। तो अरब और ईरान के जो व्यापारी थे वो हमारे देश को हिंदुस्तान कहने लगे और धीरे 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 अरब और ईरान में विशेषकर ये नाम प्रचलित हुआ और हमारे देश का धीरे धीरे नाम हिंदुस्तान पड़ गया। दोस्तों, जब हम हिंदी के किसी भी शब्द का अर्थ निकालते हैं तो हम उसका संधि विच्छेद करते हैं। जब हिंदुस्तान का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हिंदू प्लस स्थान आता है, और जब हिंदू मतलब हिंदू और स्थान मतलब भूमि, जगह। दोस्तों, हमारे देश के हिंदुस्तान नाम का मतलब है हिंदुओं का स्थान, और ये नाम देश के बंटवारे मतलब 1947 से काफ़ी पुराना नाम है हमारे देश का नाम हिंदुस्तान। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान बंटवारे के बाद ही नया नाम बना था। अब अगर भारत नाम की बात करें तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे एक सम्राट थे जिनका नाम भरत था और उन्हीं के नाम को लेकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में भी कोई नहीं जानता कि भाई इंडिया का नाम कब पड़ा, किसने रखा, कैसे इंडिया का नाम इंडिया पड़ा और इंडिया की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों, अगर आपको इंडिया की फुल फॉर्म पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर हमें इंडिया की फुल फॉर्म बताइए। बाकी वीडियो में आगे तो मैं आपको इंडिया की फुल फॉर्म बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा कैसे। दोस्तों, बहुत पहले हमारे देश में एक नदी बहती थी जिसका नाम था सिंध नदी या सिंधु नदी भी कहते थे, और वो आज के पाकिस्तान में है। मतलब नदी आज भी है लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में चली गई। उस नदी का इंग्लिश नाम था इंडस रिवर, मतलब इंडस नदी, और धीरे 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 इसी इंडस का उच्चारण करते करते हमारे देश का नाम इंडिया पड़ गया। ना कि ये अंग्रेजों के आने के बाद हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा, बल्कि काफ़ी पहले से हमारे देश का नाम इंडिया था। अब दोस्तों, इंडिया की फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों, अगर ऑफिशियल और आधिकारिक तौर पर हम बात करें तो इंडिया एक नाम है और इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन देश के कुछ विद्वानों ने इसकी फुल फॉर्म निकाली है, और फुल फॉर्म तो बहुत सारी है लेकिन दो फुल फॉर्म ऐसी है जो बिल्कुल इंडिया पर सूट भी करती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हैं। दोस्तों, अगर हम पहली जो फुल फॉर्म है इंडिया की उसकी बात करें तो इंडिया बनता है INDIA, मतलब इन 5 अक्षरों से। तो मतलब जो आई की फुल फॉर्म है वो है इंडिपेंडेंट, और N की फुल फॉर्म है नेशन, D की फुल फॉर्म है डिक्लेयर, I की फुल फॉर्म है इन, और A की फुल फॉर्म है अगस्त। मतलब अगर हम इन 5 नामों को मिला दें तो इंडिया की फुल फॉर्म निकल के आती है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर इन अगस्त। दोस्तों, एक और इंडिया की फुल फॉर्म आपके और हमारे जैसे कुछ लोगों ने निकाली है, और उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। आई से इंडिपेंडेंट, एन से नेशनल, डी से डेमोक्रेटिक, आई से इंटेलिजेंट और ए से एरिया। अगर हम इन 5 शब्दों को मिला दें तो हमारे देश की फुल फॉर्म बनती है इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालें तो इसका मतलब आता है इंडिपेंडेंट का स्वतंत्र, नेशनल का राष्ट्रीय, डेमोक्रेटिक का लोकतांत्रिक, इंटेलिजेंट का बुद्धिमत्ता और एरिया का क्षेत्र।
मतलब स्वतंत्र राष्ट्रीय और लोकतांत्रिक बुद्धिमत्ता क्षेत्र। तो दोस्तों इंडिया की फुल फॉर्म हुई इंडिपेंडेंट नेशनल डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि ये कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बस आप और हमारे जैसे कुछ लोगों ने इंडिया की फुल फॉर्म निकाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी आपके और हमारे जैसे कई और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।